नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ। ग्राम प्रधान डॉक्टर नसीबुल्ला और सेक्रेटरी के मनमानी का दंश झेल रहा है ग्राम सभा पड़री रामनाथ। आज तक सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिल पाया ग्रामीणों को। बलरामपुर जनपद उतरौला तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा पड़री रामनाथ में सरकार व जिला प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी डॉक्टर नसीबुल्ला और सेक्रेटरी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के मिली भगत के चलते शासन की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। सरकार गांवों के विकास के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन ग्राम प्रधान डॉक्टर नसीबुल्ला और सेक्रेटरी की मिली भगत से पैसे की बंदरवाट किया जा रहा है, जिससे गाँव का विकास पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गया है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ गाँव तक पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। आपको बताते चलें कि पड़री रामनाथ ग्राम सभा उतरौला तहसील सदर के अंतर्गत आता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। कुछ लोग अपने पैसे शौचालय बनवा लिए हैं तो उनको पैसा ही नहीं दिया गया, जिससे गांव का विकास पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गया। गाँव में पानी की निकासी के लिए कोई नाली का निर्माण नहीं कराया गया, जिससे गाँव का पानी सड़कों पर इकट्ठा रहता है, जिससे छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा ये कि शासन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं। यदि बलरामपुर उतरौला से अशोक पाल की रिपोर्ट। समय आपका? निहाल अहमद। कौन सा ग्राम सभा है? पड़े रामनाथ। क्या दिक्कत है आप लोगों को? हमारा दिक्कत ये है कि ना लेटरिन बराबर है, ना पानी का पाइप डाला हुआ है वो भी बराबर नहीं है। हर चीज़ का दिक्कत आता है। जो अगर वहाँ जाके कुछ सवाल करो तो बोलते हैं अभी हो जाएगा, वो दोबारा काम होता ही नहीं है। प्रधान गाँव में समस्या के लिए आते ही नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक। कौन सा ग्राम है? क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत ये है कि रास्ता पूरा एकदम भटा हुआ है, घास जमी हुई है, किधर से आदमी आए जाएगा, कोई रास्ता ही नहीं है। और जाके प्रधान से शिकायत करो तो वो बोलते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, जाके लेखपाल को ढूंढ के लाओ, वो रास्ता क्लियर करके देगा। रास्ता पूरा क्लियर है, ना उस पर मिट्टी डाल रहे हैं, ना गिट्टी डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पूरा रास्ता वैसे ही पड़ा हुआ है। नाली के लिए शिकायत करो, उससे भी कोई सुनवाई नहीं होता है। अभी बारिश हो जाए या कोई बात हो जाए तो आदमी कहाँ से जाएगा, पूरा एकदम रास्ते पे पूरा पाइप डाल के रखे हुए हैं। कौन सा ग्राम सभा है? पड़री से। क्या दिक्कत है आप लोगों को? हमारे को पूरे गांव में दिक्कत है इस चीज़ की। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो ये है कि पहला नंबर प्रधान जो है लालीपॉप दिखाता है। हमारे गाँव को कोई भी नागरिक जाता है तो उसे अपने भाषा में समझा के वापस करता है। दूसरी बात जो है वो तुरंत निकाल के अपने ताकत पौवा दिखाता है कि हमारे पास फला आदमी से पहचान है, तुरंत अंदर करा दूंगा, ये करा दूंगा। अभी हमारे गांव से 5 ट्रांसफार्मर जल चुका, उस मुद्दे से पूरे गांव गए। उस गांव में जाने के बावजूद उसने आया हमारे रोड पे, हमारा कोई बंदा बोला तो उसको यही कहा कि अभी तुम्हें अंदर करा दूंगा, ये करा दूंगा। प्लस उसके बाद वपन पाइप इस नाले का जो है आपको मौजूदा सर्वे कर लो, देख लो, डाल के वपन जाने के बावजूद में भी उसके पास कोई सुनवाई नहीं। जब जाओ तो वो कहता है कि पिछला प्रधान क्या काम किया था जो मुझसे काम मांग रही है। बार बार उसका कहना यही है कि मैं उससे ज़्यादा काम किया हूँ, लेकिन हमारे गांव वालों को कोई काम नहीं दिखाई देता। यहाँ तक कि जो घास पिछले 20 साल पहले था वही घास आज भी जाम रहा है।